हाय एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया ही होंगे। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं टॉप 5 बेस्ट पेट्रोल माइलेज कार्स अंडर 10 लाख। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो जो सबसे पहली कार है वो है मारुति डिज़ायर। ये एक 5 सीटर सेडान कार है और ये अपनी कैटेगरी में काफ़ी फेमस भी है। तो इसकी माइलेज 22 km/L है और ये कार 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन में और 1.3 लीटर डीजल इंजन में आती है और इसमें आपको ऑटोमेटिक और मैनुअल ट्रांसमिशन मिलता है। और इसकी पेट्रोल बेस वेरिएंट की एक्स शोरूम प्राइस है 5.82 लाख। तो जो सेकंड नंबर पे कार है वो है मारुति स्विफ्ट। ये एक 5 सीटर हैचपैक कार है और इसकी माइलेज 22 km/L है, मतलब कि ये 1 लीटर में 22 किलोमीटर कवर करेगी और ये 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन और 1.3 लीटर डीजल इंजन में आती है और ये कार ऑटोमेटिक और मैनुअल ट्रांसमिशन में आती है। इसका जो पेट्रोल बेस वेरिएंट है उसकी एक शोरूम प्राइस है 5.14 लाख। तो जो थर्ड नंबर पे है वो है डैटसन रेडी गो। ये एक 5 सीटर हैचबैक कार है और ये देखने में काफ़ी छोटी दिखती है बट स्टिल ये एक 5 सीटर कार है। तो इसकी माइलेज है 22.7 km/L और ये 0.8 and 1.0 लीटर पेट्रोल इंजन में आती है और ये ऑटोमेटिक एंड मैनुअल ट्रांसमिशन में आती है और इसका बेस वेरिएंट एक्सशोरूम प्राइस है 2.82 लाख। जो फोर्थ नंबर पे है वो है मारुति सिलेरियो। ये एक 5 सीटर हैचबैक कार है और इसकी माइलेज है 23.1 km/L। ये 1.0 लीटर पेट्रोल इंजन में ही आती है, इसमें कोई डीजल वेरिएंट नहीं आता। तो इसमें आपको ऑटोमेटिक एंड मैनुअल ट्रांसमिशन मिलती है और इसकी पेट्रोल वेरिएंट की एक्स शोरूम प्राइस है 4.26 लाख। और जो फिफ्थ नंबर पे है वो है मारुति वैगन आर। ये एक 5 सीटर हैचबैक कार है और इसकी माइलेज है 22.5 km/L और ये 1.0 and 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन में आती है और इसमें कोई डीजल वेरिएंट नहीं, ये भी आपको ऑटोमेटिक एंड मैनुअल ट्रांसमिशन में मिलती है और इसका पेट्रोल बेस वेरिएंट की एक्स शोरूम प्राइस है 4.42 लाख। तो ये थी टॉप 5 बेस्ट पेट्रोल माइलेज कार्स अंडर 10 लाख। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आगे की अपडेट्स आपसे मिस ना हो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Till then, bye bye, take care.